हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों के बीच में ट्रांसफ़र संबंधी एक और अपडेट्स भरी वीडियो लेके आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं रेलवे बोर्ड के लेटर जारी हुआ है उसके द्वारा मैं बताऊँगा कि जो ट्रांसफ़र का नियम है उसमें क्या बदलाव आया है और कौन से ट्रांसफ़र में बदलाव आया है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। और आप लोग हमारे वीडियो के जरिए अपडेट्स वरी जानकारी लेने का कोशिश करते रहें। तो चलिए, मैं आज आपको इस लेटर के ऊपर मैं बताऊंगा कि आखिर क्या है। तो जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे में जो भी एम्प्लॉय कर्मचारी जॉब करते हैं तो सभी को घर के पास जॉब नहीं मिलता है, उनको कहीं ना कहीं दूर जाके दूसरे स्टेट, दूसरे डिवीज़न, दूसरे जोन में जाके ड्यूटी करना पड़ता है। लेकिन सभी की चाहत होती है कि हम घर आके अपना ड्यूटी करें। तो उसी बीच रेलवे बहुत कुछ सुविधा कर्मचारियों को देते रहती है जो कि आपका ट्रांसफ़र रिलेटेड जानकारी, ट्रांसफ़र रिलेटेड पॉलिसी लेके आने का काम करती है, जिसमें आपका हो गया एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो पारस्परिक स्थानांतरण के द्वारा होता है और दूसरा है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। तो साथियों, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में भी कई पार्ट हैं, उसमें आपका एक तो दूसरे जोन टू जोन है, एक है एक ही जोन के अंदर डिवीज़न में है और एक है कि एक ही डिवीज़न के स्टेशन चेंज का। तो साथियों, इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेलवे भी चाहती है कि हर कर्मचारी अपने घर के पास आके ड्यूटी करें। इसके लिए हमेशा ट्रांसफ़र में कुछ न कुछ सुधार करते रहती है, बदलाव करते रहती है, जिससे कि कर्मचारियों को ट्रांसफ़र में जल्द हो और सुविधाजनक हो। तो साथियों, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए रेलवे बोर्ड का ये जो एक 3/5/2024 का लेटर आया है उसमें बहुत बड़ा अपडेट्स, बहुत बड़ा यूं कहें तो बदलाव, जो कि रेलवे कर्मचारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा रखे हैं उनके एनओसी लेके रिलीविंग तक के जो भी अपडेट्स हैं वो इस लेटर के जरिए आज क्लियर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं उस लेटर पे। और साथियों, मैं फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूं कि घर आजा परदेसी तेरा गांव बुलाए रे, ये सपना आपको जल्द ही पूरा होने वाला है और जल्द ही आप अपने घर के पास आके ड्यूटी करेंगे। तो चलिए, मैं लेके चलता हूँ रेलवे बोर्ड के लेटर पे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, जो ये रेलवे बोर्ड का लेटर आपको दिख रहा है ये RVN नंबर 39/2024 है। ये नंबर EN/GNI/2021/TR16। इसमें साथियों, सभी जनरल मैनेजर को लिखा गया है। सब्जेक्ट में आपका है इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है, जो आपका रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर है, ये तीनों लेटर नंबर है उसको रेफरेंस में बताया गया है। तो साथ ही इस लेटर में जो इंटर रेलवे मतलब IR जो रिक्वेस्ट है उसी के बारे में बहुत बड़ा अपडेट्स और बदलाव कहें रूल्स में आया है, जिसी के ऊपर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये लेटर में क्या है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताऊंगा। तो साथियों, पहले का जो लेटर है, जो आपका पहले जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता था उसमें क्या होता था कि जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता था तो दोनों तरफ से कंप्लीट होने के बाद जो आपका NOC
प्रोवाइड होता था, एनओसी प्रोवाइड होता था। तो एनओसी प्रोवाइड होने के बाद उस एनओसी की वैलिडिटी होती थी वो 6 मंथ की होती थी, कि अगर आपको 6 मंथ के अंदर अगर आप उस रेलवे से रिलीफ नहीं हुए तो फिर आपकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब साथियों, अगर मान लीजिए कि 6 मंथ के बाद आपको रिलीव कर दिया गया अपने डिवीज़न से या अपने जोन से, और उधर दूसरे जोन में जहां से एनओसी मिला था, तो उस दरमियान अगर आप वहां पे नहीं पहुंचे तो आपकी सीट के जगह पर किसी और को अगर फिल कर लेता है वहां पे, जैसे फिल कर लेगा तो फिर आप यहां से तो रिलीव हो जाएंगे और दूसरे जोन वाले या दूसरे रेलवे वाले बोलेंगे कि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर इससे आपको परेशानी हो सकता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने एम्प्लॉय के हक में काम करते हुए ये लेटर निकाला है, जो आपका 3/5/2024 का लेटर है। उसमें देखिए, लेटर में आपका यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज बीन डिसाइडेड दैट वैलिडिटी ऑफ एनओसी फॉर ट्रांसफर में बी एक्सटेंशन फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर, विच शुड बी मैंडेटरी रीवैलिडेशन ऑफ द एंड टू इट वैलिडिटी। देखिए, सबसे बड़ा जो आपका पॉइंट है साथियों वो यहीं पे है कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। जैसा कि मैं अभी पिछले सेंटेंस में बताया था कि जो पहले का जो एनओसी मिलता था आईआर रेलवे इंडियन इंटर रेलवे ट्रांसफर के जरिए, तो उसमें वैलिडिटी 6 मंथ का होता था, जिससे क्या होता था कि अपने पेरेंट्स डिवीजन या जोन से एम्प्लॉय रिलीव नहीं हो पाता था, जिसके लिए वहाँ जो एनओसी मिला था उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती थी, और ख़त्म होने के बाद वहाँ पे किसी और को फिल कर लिया जाता था दूसरे बंदे को, तो फिर दिक्कत होता था। उसी को ध्यान में अब ये लेटर के जरिए, जो आपका 3/5/2024 को लेटर निकला है RVN 39/2024, उसमें क्लियर कर दिया है कि जो एनओसी ट्रांसफ़र की वैलिडिटी ऑन रिक्वेस्ट में 6 मंथ का था, 6 मंथ का था, उसको अब बहा के एक्सटेंशन करके 1 ईयर, मतलब 1 साल कर दिया गया है, मतलब 6 मंथ और उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि साथियों अमूमन जो है जिनका एनओसी मिला रहेगा, तो मान लीजिए कि 6 महीना में अगर उनको नहीं रिलीव किया जाता है तो 6 महीना और एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, उतना दिन में किसी न किसी प्रकार से आपके जगह पर कोई यहाँ पे आएंगे ही वैकेंसी और आपको रिलीव कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जिस डिवीज़न या जिस जोन के लिए आप अप्लाई किए हुए थे उस जोन में आपकी जो सीट है वो एनओसी मिला है, उसके 1 साल तक आपको वेट करेगा, इंतज़ार करेगा कि जब भी 1 साल के अंतर्गत आप आएंगे तो आपको वो एक्सेप्ट करेगा और ज्वाइन कराएगा। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं जो रेलवे बोर्ड का लेटर है वो एम्प्लॉय रेलवे एम्प्लॉय के लिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको रिलीव होने की जल्दबाजी से मुक्ति मिलेगा, आपकी जो एनओसी है वो रद्द नहीं किया जाएगा। तो साथियों, ये प्रत्येक कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर और जानकारी था, इसलिए आप सभी लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने सर्किल दोस्त ग्रुप फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जो भी स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र या चाहे तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा रखे हैं उनके लिए ये सूचना जल्द से जल्द मिले। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए अपडेट्स भरी वीडियो लेके आने का काम करता हूं। और साथियों, ये जो इसमें सारा मैटर है वो आप खुद देख सकते हैं, मेरा मोटिव था मेन रूप से जो चेंजिंग हुआ है उसको समय बिना गवाए हुए बताने का। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।